आजादी के अमृत महोत्सव के तहत उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य जैसे कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। भारत विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर हो रहा है। विद्युत के मामले में जहां हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गए हैं, वहीं अब हम पड़ोसी देशों को भी बिजली का निर्यात कर रहे हैं। इसीलिए हम आजादी के अमृत महोत्सव के तहत उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य जैसे कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। प्रदेशों के कैबिनेट मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल ने सोमवार को जिला मुख्यालय के शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के विशाल सभागृह में आयोजित उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य के कार्यक्रम में उपस्थित को संबोधित करते हुए उक्त बातें कही। इस दौरान उन्होंने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव उन लोगों को समर्पित है जिन्होंने न केवल भारत की विकास यात्रा को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि जिन्होंने देश को पूरी शक्ति एवं क्षमता से आगे बढ़ाया है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत की मूल भावना ने और गति प्रदान की है। कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा ने बताया कि आज जिले के दुर्गम क्षेत्रों में भी जहां प्रधानमंत्री सड़कें बन गई हैं, वहीं विद्युत लाइन भी पहुंच गई है। इससे ग्रामीणों को विशेष सुविधाएं मिली हैं और विकास के कार्य निरंतर जारी हैं। वहीं उन्होंने बताया कि शासन का प्रयास है कि जिले का समुचित विकास हो, इसके लिए उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री सड़क योजना प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी कई विकास कार्य हो रहे हैं जिसका प्रभाव चारों ओर दिखाई देने लगा है। कार्यक्रम के दौरान भारत सरकार से आए उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य के नोडल अधिकारी श्री श्वेत कुमार श्रीमाली ने बताया कि वर्ष 2014 में विद्युत उत्पादन क्षमता 2.48 लाख मेगावाट थी, वह अब बढ़कर 4 लाख मेगावाट हो गई है जो हमारे मांग से 1.85 लाख मेगावाट अधिक है, जिसके कारण अब भारत पड़ोसी देशों को भी विद्युत का निर्यात कर रहा है। मंत्री, आज कौन सा कार्यक्रम रहता है? देखो, उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य जो भविष्य है आगे के लिए, उसके सुधार के लिए आज जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री हो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, जो जिस प्रकार से काम हो रहा है और दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है, जनसंख्या को देखते हुए भी उस लिए काम किया जा रहा है और जो काम हो रहा है वो काम वाकई में हम सब लोग देख रहे हैं। तो मंत्री जी, मेरा कहना आपसे ये है कि पहुँचवीन क्षेत्र जहाँ बिजली की उपयोगिता ज़्यादा हो सकता है, तो वहाँ चिन्हित करके कोई आगे कार्यक्रम। देखो, पूर्व में पिछले साल मध्य भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जहाँ जहाँ ऐसे इलाके हैं वहाँ पर बिजली लगाने के लिए भरपूर सहयोग किया और आज वहाँ पर बिजली लगी हुई है और जहाँ जहाँ मतलब और भी बाकी होगा उसको हम पूरी करेंगे। बिजली बचत के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, बिजली बचत तो जनता भी कर रही है और आप हम सब लोग कर रहे हैं। सर, आज जो कार्यक्रम का आयोजित किया गया किस संबंध में? आज उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य को लेकर के बिजली विभाग के ओर से एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था। भारत सरकार की पहल पर हर घर बिजली जो पहुंचाई गई है उसके बारे में पूरा जो पूरी प्रक्रिया बताई गई है। यहाँ पर ढेर सारे जनप्रतिनिधिगण माननीय मंत्री जी सभी लोग यहाँ पर आए और उसमें लघु फिल्मों के माध्यम से सांसद कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यक्रम आयोजन हुआ। बहुत बेहतरीन कार्यक्रम था और हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री जी का भी एक अपील है सभी को कि बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। तो हम लोगों को बिजली बहुत अच्छी मिल रही है, परंतु बिजली का हम लोग उपयोग भी आवश्यकता अनुसार करें ताकि हम लोग इसका जो आगे आने वाले समय पर जो भार रहेगा बिजली की उत्पादन में जो श्रम और धन खर्च होता है उसको भी बचा पाएंगे। डिजियाना न्यूज डिमांड रिपोर्ट बड़वानी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट